नागरिकों का आह्वान है कि आप नए साल का स्वागत जरूर करिए, जोश से करिए, लेकिन जोश में आप खुश ना गवाइए। बंदोबस्त अराउंड 500 अधिकारी और 5000 अमलदार, ऐसा हमारा बंदोबस्त रहेगा। 53-55 जगह पे नाकाबंदी का हमने नियोजन किया है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नए साल के मद्देनजर ठाणे पुलिस ने अब कमर कस ली है। रेव पार्टी सहित खुले में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं है। आपको बता दें कि 31 के मौके पर खास करके युवा ये जोश में आ जाते हैं और इसीलिए इस बार पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया जाएगा। पुलिस ने अभी से ही गाड़ियों की चेकिंग अभियान भी शुरू कर दी है। कई जगहों पर नाकेबंदी भी लगाई जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जोश में नहीं बल्कि होश में आकर नया साल मनाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रेव पार्टी और होटलों में और अन्य खुली जगहों पर शराब पर भी कार्रवाई की जाएगी और साथ में डीजे बजाना, हुल्लड़बाजी करने वालों को पुलिस ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से आह्वान किया है कि नए साल का स्वागत सादगी और शांति से करें। नव वर्ष के स्वागत पर जो कार्यक्रम होंगे उसके बारे में हमने पिछले 3-4 दिनों से कार्रवाई करना शुरू किया है। उसी का एक भाग करके हमने 26 और 27 दिसंबर को ठाणे पुलिस आयुक्तालय में ऑल आउट ऑपरेशन किया था, जिसके अंडर काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्रवाई की है। उसमें 16 इलीगल वेपन्स, 15 फरारी आरोपी और टोटल 30 वांटेड एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा 555 जो क्रिमिनल्स है रिकॉर्ड पर, उनको हमने चेक किया, उनकी क्या हलचल चल रही है वो भी हमने लिया है। उसके अलावा 373 एस्टेब्लिशमेंट्स, होटल्स, लॉजेस, बार इत्यादि चेक किए है, उसमें जो भी गलतियाँ मिली है उसके बारे में भी कार्रवाई की है। उसके अलावा 920 मोटर व्हीकल एक्ट के कार्रवाई की है। एक पिछले 2 दिनों की कार्रवाई की मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ, लेकिन ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। आगे के 4-5 दिन ये कार्रवाई जारी रहेगी और सब हेड्स पे हम कार्रवाई करते रहेंगे। मेरा आपको और आपके माध्यम से नागरिकों को आह्वान है कि आप नए साल का स्वागत जरूर करिए, जोश से करिए, लेकिन जोश में आप होश ना गवाइए। ये मेरा विनती है आप सबको और आपके माध्यम से नागरिकों को। सर, नए वर्ष को देखते हुए ड्रग्स पार्टी वगैरह होती, रेव पार्टी होती, तो उसके लेके क्या पुलिस ने कदम उठाया? थाने में एवं परिसर ऐसा है कि वहाँ पे पार्टियाँ अधिक होती है। इसके लिए हमने भरारी पथक जो अचानक कुछ जगह चेक करे, फिर प्लेन क्लॉथ में हमने टीम्स रखी है, CCTV और ड्रोन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने थाने आयुक्तालय में अराउंड 2000 CCTV कैमरा है, तो वो सब हम चेक करके वो ठीक मात्रा में चालू है नहीं देख के उसका भी हम उपयोग करेंगे और ड्रोन का भी हम उपयोग करेंगे। और इस बंदोबस्त के लिए CP सर आशुतोष डुमरे सर से लास्ट PC तक हम सब बंदोबस्त के लिए रोड पे रहेंगे। CP साहब, मैं जॉइंट CP, हमारे चारों एडिशनल CPs और DCPs 11 और बाकी भी सब बंदोबस्त, अराउंड 500 अधिकारी और 5000 अमलदार, ऐसा हमारा बंदोबस्त रहेगा। इसमें से काफ़ी प्लेन क्लोथ में रहेगा। हमारे यहाँ हम 53-55 जगह पे नाकाबंदी का हमने नियोजन किया है। वो जगह तो हम आपको बताएंगे नहीं, तो वहाँ हमारा नाकाबंदी रहेगा। हमारे पास 46 ब्रेथ एनालाइजर्स है, जिसके तहत कोई किसी ने अगर कोई नशा पानी किया है तो डिटेक्ट हुआ किया जाएगा, ऐसा हमारा नियोजन है। और उसके अलावा हमारा कोई भी कॉल आया, कोई भी मैसेज मिला, तो 4-5 मिनट में हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचेगी, ऐसा हमारा पेट्रोलिंग का हमने पैटर्न बनाया है। उसके अलावा RCP, SRPF, स्ट्राइकिंग फोर्सेस, QRT, ये सब हमने अलर्ट रखे है। और मेरे मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से ये 31st का सेलिब्रेशन अच्छे ढंग से होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अगर किसी की कोई घटना घटी तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरा नागरिकों को अनुरोध है कि नए साल का स्वागत आनंद से हो जाए, पुलिस कार्रवाई से ना हो आप पे, इतना आप ध्यान रखिए।